नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप भी फिट होंगे और फाइन होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 योग। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि कौन कौन से वेरियस योग के आसन होते हैं जो हमें करने चाहिए, योग किसके द्वारा रिसर्च की गई थी, किसके द्वारा लाया गया योग, योग क्या होता है, हम योग को योग क्यों बोलते हैं, योग शब्द कहाँ से आया और इसकी क्या हिस्ट्री थी। तो हमने इस चैप्टर में ये सब पढ़ा था। तो इसके हिसाब से जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लेवल में एग्जाम में आ सकते हैं आपके, जो रिपीट होते हैं बार बार, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है योग को परिभाषित करें। अब हमें योग को परिभाषित करना है, इसका मतलब योग की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अब योग होता क्या है? योग मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो शरीर और दिमाग के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर केंद्रित है। यानी कि जो कोऑर्डिनेट योग है वो हमारे शरीर और हमारे दिमाग का कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब हमारे दिमाग को भी हेल्दी रहने की जरूरत है, हमारे बॉडी को भी हेल्दी रहने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली हमारे को जब हम कोई काम करेंगे तो हम दिमाग से भी करते हैं और शरीर से भी करते हैं, तो दोनों चीज हेल्दी रहनी चाहिए और दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए, जिसमें हेल्प करता है हमारे योग। ठीक है, यह बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है। यह है स्वस्थ जीवन जीने का एक विज्ञान और कला है। ठीक है, स्वस्थ जीवन जीने की यह विज्ञान है और एक कला है। इसको विज्ञान की कला माना जाता है जो सूक्ष्म विज्ञान से होती है। मतलब इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, बस हमें रेगुलर बेसिस पे या फिर अपना एक रूटीन निकाल के हमें योगा करते रहना चाहिए। ठीक है, तो योगा क्या होता है? दिमाग और शरीर के बीच का कोऑर्डिनेशन और एक विज्ञान और कला। ठीक है, संस्कृत शब्द योग की उत्पत्ति युज धातु से हुई है जिसका अर्थ है जोड़ना, जोड़ना या एकजुट होना। ठीक है, अब योग शब्द कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? हमने संस्कृत लैंग्वेज से लिया है। ठीक है, अब योग को युज कहा जाता है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जिसमें हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जोड़ना शब्द होता है, ये हमने लिया संस्कृत वर्ड से जिसका नाम है योज। ठीक है, तो योग की परिभाषा हमने देख ली कि योग होता क्या है। योग दिमाग और शरीर का कोऑर्डिनेशन होता है, ये विज्ञान और एक कला है, और योग शब्द हमने संस्कृत भाषा से लिया है जिसको युज कहते हैं, और युज का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है। सेकेंड, योग के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? योग का जनक कौन था? योग को किसने डिफाइन किया था? कौन लाया था योग को? तो वो ऋषि महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। जो ऋषि थे, महर्षि पतंजलि थे, वो ही लोग योग लाए थे, उन्होंने ही डेफिनेशन दी थी योग की। तो इनको क्या कहा जाता है? योग का जनक। ठीक है, हर एक उसका कोई ना कोई जनक होता है। ठीक है, हर किसी टॉपिक का कोई ना कोई जनक होता है। तो योग के जनक कौन थे? महर्षि पतंजलि। ठीक है, प्रश्न 3, योग व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दे सकता है? हमारी योग व्यक्तिगत शक्ति, जैसे कि हमारी एनर्जी चाहिए होती है हमारे काम के लिए, जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं, तो उसको बढ़ाने में कैसे सहायक हो सकता है, कैसे वह हमारी मदद कर सकता है? उत्तर, सकारात्मक भावनाओं के विकास के लिए योग आवश्यक है। यानी कि पॉजिटिव भावनाओं के विकास के लिए योग हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक हम अपनी नेगेटिविटी को दूर नहीं करेंगे तब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी, और हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, हमारे दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हमें पॉजिटिव होना पड़ता है। ठीक है, पॉजिटिव सोचना पड़ता है। ठीक है, तो सकारात्मक भावनाओं के लिए विकास के लिए ये आवश्यक है। यह है भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है, यानी कि इमोशनल संतुलन को बढ़ावा देता है, हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं इसे करने के बाद। यह है भावनात्मक नियमन में सहायता करता है, यानी कि हम ज्यादा हमारे जो कुछ होते हैं ना रोग की, छोटी छोटी बात पर रो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, वो कंट्रोल करता है। योग से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और ध्यान सहित योग तकनीकें भावनाओं को प्रबंधित करने में सहायक करती हैं। ये सारी तकनीकें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और ध्यान,
ठीक है, ये सारी तकनीकें हमें क्या करती है, हमारे इमोशन को कंट्रोल करने में, हमें हमें कंट्रोल रहने में मदद करती है, ठीक है, चाहे वो इमोशन कैसे भी हो। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी तैयार है कि योग व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ावा कैसे देता है, ठीक है, और हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारे जो एक्सरसाइज हैं या फिर ये सारे जो योग के वो हैं वो हमें मदद करते हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। प्रश्न चार, योग का खेलों में क्या योगदान है अथवा योग के महत्व को समझाइए। अब योग का महत्व भी समझाने हमें और ये भी बताने कि योग का खेलों में क्या योगदान है। अब खेलों में योग का कैसे योगदान होगा, ठीक है, देखते हैं। योग में शारीरिक व मानसिक व्यायाम होते हैं जिसमें हमारे शरीर को लाभ होता है। योग के निम्नलिखित महत्व हैं, ठीक है, योग हमारे शरीर और मानसिक क्या बोलते हैं, ब्रेन को अच्छा रखता है, ठीक है। अब इसके जो लाभ हैं जो हमारे को खेल में होते हैं या फिर हमारे शरीर में पड़ते हैं, तो वो देखते हैं। पहला, योग द्वारा हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सकता है। ऑब्वियसली जब हम योग करते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हम हेल्दी रहते हैं। हम जितनी एक्सरसाइज करते हैं उतना ही हम हेल्दी रहते हैं, चाहे वो योग हो या फिर कोई और एक्सरसाइज हो, ठीक है। तो योग हमारे शरीर को क्या रखता है, तंदुरुस्त। हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि, हृदय और फेफड़ों की कार्य, जब हम प्राणायाम करते हैं या फिर कोई भी और नैतिक योग करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे हृदय और फेफड़ों की सफाई होती है और ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। जब तक हमारे हार्ट और हमारे फेफड़े ही मजबूत नहीं रहेंगे, तब तक हमारा शरीर कैसे रहेगा, है ना, तो ये भी मजबूत होते हैं। नियमित अभ्यास से शरीर रोग मुक्त हो रहता है। अब हम नियमित अभ्यास करते रहेंगे या नियमित एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारा शरीर एक टाइम पे योग मुक्त हो जाता है। फिर लोच और समन्वय को बढ़ाता है, ठीक है, जो भी हमारी लचक होती है इन सबको बढ़ाता है वो। फिर थकान को दूर करने में सहायक, अब हमें एनर्जी इतनी प्रोवाइड करते हैं कि हमें जल्दी से थकान नहीं होती, और ये थकान दूर करने में भी सहायक होता है। हर चीज के लिए योग है, अगर आपको थकान हो रही है, अगर आपके कहीं पे पेन हो रहा है, तो आप योग करके भी उसको दूर कर सकते हो, ठीक है। तो योग इसलिए हम इसको बहुत बेनिफिशियल मानते हैं। फिर स्मरण शक्ति में वृद्धि, स्मरण शक्ति, हम जो याद रखना है हमें, हमें कोई मेमोरी, किसी किसी को कुछ कुछ टाइम बाद की अभी मैंने कोई बात बोली तो उसको थोड़ी टाइम बाद भूल जाते हैं लोग, है ना, तो ये हमारी जो स्मरण शक्ति है यानी कि जो भी हमारी मेमोरी है उसको भी अच्छा करता है। फिर शारीरिक ढांचे में सुधार, जो भी हमारा शारीरिक पोस्चर होता है, शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई या फिर कुछ हो गया, तो ये उसमें भी सुधार लाता है। क्या लाता है, योग, ठीक है। अब कुछ लोगों का मानना है कि योग को सामान्य देख कर भी सीख सकते हैं, क्या योग में मार्गदर्शन की जरूरत है। प्रश्न पांच, ठीक है, अब प्रश्न पांच हमारा क्या बोला है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम योग देख कर भी सीख सकते हैं, हमें उसमें मार्गदर्शन की नीड नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें उसमें मार्गदर्शन की जरूरत है, जैसे हम कोई जिम वगैरह जाते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्रेडमिल पे या किसी में भी, तो हम हमारे साथ ट्रेनर्स होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। तो क्या हम योग से देख के सीख सकते हैं या फिर देख के कर सकते हैं, हमें उसके लिए कोई निर्देशन की जरूरत है। योगा आज के समय में सामान्य पहुंच में है, ठीक है, सामान्य पहुंच में हर किसी को पता है कि योगा क्या होता है। वो यूट्यूब पे भी वीडियो निकाल के देख सकते हैं कि योगा कौन कौन सी होती है, क्या क्या होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, परंतु इसमें सही मार्गदर्शन, तकनीक व अध्यापक की जरूरत है। हमें हर चीज में कोई अध्यापक या फिर निर्देशक होना चाहिए ताकि वो हमें निर्देश दे सके कि हमें ये कैसे करना है। अगर सपोज मैं कोई योग कर रही हूँ और मेरे को मैंने सिर्फ उसको देखा है, मैंने ना अभी मैं बस उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ देख देख के, तो मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए किस चीज में बेनिफिशियल है, ठीक है, हो सकता है वो मेरे को कोई नुकसान भी पहुंचा दे। फिर क्या मैं उसे ठीक ढंग से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ठीक है, उसका असली पोस्चर क्या होना चाहिए जैसे मैं कर रही हूँ, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी पे कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा ही उसका। अब अगर गलती, जैसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं, तो स्ट्रेचिंग में कभी हमारे कोई गलत पोस्चर हो जाती है तो हमारी नस वगैरह खिंच जाती है, ठीक है, जिससे हमारे हाथ में दर्द भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्या वो पोस्चर हमारा सही है या नहीं, तो उसके लिए भी हमें निर्देशक चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि हमें योग में मार्गदर्शन की जरूरत होती है, ठीक है। जो योग्यता प्राप्त अध्यापक या विवेकपूर्ण योग गुरु के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए, यानी कि हमारी प्रॉब्लम के अनुसार वो हमें योग बताएंगे कि अगर हमारी अगर मेरे पास अगर मेरा फैट ज्यादा है तो उस हिसाब से बताएंगे, अगर मेरी कमर में पेन रहता है तो उस हिसाब से बताएंगे, ठीक है, या फिर कुछ अलग अलग बताएंगे, और अगर मेरे को कोई बीमारी है तो उस हिसाब से बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत है, इसका मतलब योग में भी हमें मार्गदर्शन चाहिए होता है। प्रश्न छः,
तनाव कम करने में योग की क्या भूमिका है? अब हमने पढ़ा था योग में कि हम फिजिकली नहीं मेंटली भी फिट रहते हैं। अब मेंटली फिट कैसे रहते हैं कि हमारा तनाव दूर होता है ना, टेंशन डिप्रेशन इन सबसे हम दूर जाते हैं योग करने के बाद। तो क्या तनाव कम करने में योग सहायक है? ये तो हमें पता है कि हाँ सहायक है, पर कैसे? कई शोधों के संकेत मिला है कि योग तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। हमें ये संदेश मिला है, संकेत मिला है कि क्या योग तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। ठीक है भाई, योग से आपके मूड और सेहत की सामान्य भावना में सुधार हो सकता है। ठीक है, हमें पता है कि योग करने से, अगर हम जैसे को योग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम योग में करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गई या फिर कोई भी योग हो गई। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और हम इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हम अपने इमोशन पे कैसे कंट्रोल करें, क्या करें। तो हमारे जो टेंशन और डिप्रेशन होता है ना, तो वो भी निकलने लगता है जब हम किसी की बात, कोई हमें नेगेटिव बोल रहा है, अगर हम उसकी बात दिमाग में नहीं बिठाएंगे तो ऑब्वियसली हमें कोई टेंशन नहीं होगी, हम उसकी बात को ओवर थिंक नहीं करेंगे। तो जब हम ओवर थिंक करना बंद कर देते हैं, हमारी टेंशन कम होने लग जाती है। ठीक है, और ओवर थिंक बंद करना कैसे होती है? हमारी योगा करके, है ना, मेडिटेशन करके, व्यायाम करके, ये सब करके। तो इसका मतलब ये है कि योगा हमारा तनाव दूर करने में मददगारी होता है। ठीक है, मददगार ये हमारे लिए होता है और ये हमें इमोशन कंट्रोल करने में भी मदद करता है। सातवां क्वेश्चन, योग के महत्व को सूचीबद्ध करें। अब योग के क्या क्या महत्व होते हैं, हमें उसे सूचीबद्ध करना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि योग के क्या क्या महत्व होते हैं, योग हम करते क्यों हैं, ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल है जो हमेशा आते ही हैं। ठीक है, अब योग का अभ्यास से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें श्वास और ध्यान शामिल है। ठीक है, क्या हो सकता है बेहतर? हमारा मानसिक स्वास्थ्य। कैसे? क्योंकि हम इसमें श्वास की भी वो करते हैं योगा। ठीक है, फिर ध्यान भी लगाते हैं, इन सब की वजह से हमारा मानसिक जो मेंटली फिटनेस है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, नियमित योग अभ्यास से शारीरिक जागरूकता में सुधार होता है। शारीरिक जागरूकता में भी सुधार होता है, हम व्यायाम करते रहते हैं तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं से पता लगता है कि ये इसके लिए बेटर है, ये योगा इसके लिए बेटर है, ये योगा इसके लिए बेटर है। तो हमारा शरीर भी बहुत अच्छा हो जाता है और हमें बहुत सारी जानकारियां भी मिल जाती है। ठीक है, और जागरूक हो जाता है मेरा शरीर। पुराने तनाव के पैटर्न में कमी आती है, दिमाग को आराम मिलता है, ध्यान केंद्रित होता है और अन्य लाभों के अलावा एकाग्रता तेज होती है। अब जो पुराने तनाव होते हैं हमारे, हम उनको निकालते जाते हैं, जैसे जैसे योगा करते जाते हैं, अपने गुस्से को निकालते जाते हैं, अपने डिप्रेशन को निकालते जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारे जो ब्रेन होता है उस पर लाइट बर्डन हो जाता है। ठीक है, और वो तनाव और डिप्रेशन लेना कम कर देता है। ठीक है, जिससे हम ध्यान केंद्रित लगा सकते हैं, फिर आराम से रह सकते हैं, हमारे माइंड में कोई वो जो हमें सफोकेट होती है, जब हमें तनाव होता है, टेंशन होता है, ओवर थिंकिंग होती है, तो वो नहीं रहती हमारे शरीर को, हमारा शरीर भी अच्छा होता जाता है और हमारा मूड अच्छा होता है। अगर हमारे पास टेंशन या डिप्रेशन नहीं है तो हमारा मूड भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर मैं बहुत खुश भी हूँ और मेरे पास बहुत टेंशन है, बहुत डिप्रेशन है, तब भी दुखी रहूंगी। ठीक है, तो योग हमें मदद करता है हमारे टेंशन को दूर करने में, हमारी मानसिक स्थिति को अच्छा बनाने में, शारीरिक स्थिति को अच्छा बनाने में, हमारे मूड स्विंग्स को रोकने में, हमारे मूड को अच्छा करने में। ठीक है, प्रश्न 8, कपालभाति प्राणायाम है या योगिक क्रिया? अब प्राणायाम और योगिक क्रिया दोनों अलग अलग चीज होती है। तो अब हम देख रहे हैं कपालभाति क्या है। ठीक है, कपालभाति योगा प्राणायाम होता है जो हम करते हैं, हमें मैंने जो वीडियो बनाई थी चैप्टर में, उसमें मैंने समझा रखा था, आप देख सकते हो। कपालभाति योगिक क्रिया है जो मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक के माध्यम से कार्य करती है। ठीक है, क्या है कपालभाति? प्राणायाम नहीं, योगिक क्रिया। प्राणायाम नहीं है कपालभाति, कपालभाति है योगिक क्रिया, जो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वास लेने का सिस्टम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लीन भी करती है, उसको हेल्दी रखने में मदद करती है। और ये हम श्वास के द्वारा करते हैं, जो हम ऐसे करते हैं ना, तो ये क्रिया को हम कपालभाति क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो हमारी हेल्प करती है हमारे शुद्धिकरण में, शरीर के शुद्धिकरण में, और श्वास तकनीक के माध्यम से हम ये करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है योग की आधुनिक अवधारणा क्या है। अब योग की आधुनिक अवधारणा क्या है, हर योग में अलग अलग चीजें होती है, एक पुरानी होती है और एक आधुनिक, यानी कि जो अभी के समय में चल रही है। तो अभी के समय की हम देखते हैं, आधुनिक योग में विभिन्न लक्ष्यों के साथ योग तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें तांत्रिक और भक्ति अभ्यास, हठ योग से प्राप्त शारीरिक मुद्राएं और हिंदू राष्ट्र निर्माण की रणनीतियां शामिल हैं।
इसके विभिन्न रूपों में वेदों से उत्पन्न योग दर्शन भी शामिल है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो आधुनिक योग है उसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल है जो हमारी वेदों में लिखी हैं, वो भी जो लोगों द्वारा बनाई गई हैं, वो भी जो हमारे देश के प्रति अच्छी हैं, वो भी, ठीक है। और विस्तृत श्रृंखलाएं, मतलब अलग अलग टाइप की श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। जैसे हम देख रहे हैं विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिसमें देखो देखो आगे तांत्रिक और भक्ति अभ्यास, ठीक है, फिर हठ योग, फिर पर्याप्त शारीरिक मुद्राएं और हिंदू राष्ट्र निर्माण की रणनीतियां, फिर और भी चीजें बहुत सारी शामिल है जो वेदों में से भी मिली है हमें, ठीक है। तो आधुनिक जो योग है वो वेरियस चीजों से मिलके बना है, ठीक है। प्रश्न 10, योग आत्म साक्षात्कार में किस प्रकार सहायता करता है, ठीक है। आत्म साक्षात्कार यानी कि हम अपने बारे में, सेल्फ के बारे में कैसे हमारी मदद करता है। योगाभ्यासी अवतार लेते हैं, हमें पता चलता है कि जानबूझकर कैसे आगे बढ़ना है और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना है, यानी कि जो भी योग करते हैं लोग उनको पता है कि उनको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपनी गलतियों को या फिर अपनी अच्छाइयों को स्वीकार करना है, ठीक है। हमें यह भी पता चलता है कि हमें अपने अंदर मौजूद भावनाओं और विचारों को कैसे स्वीकार करें, इसलिए योग हमें अपने सच्चे स्वरूप या आत्म साक्षात्कार को देखने का मौका प्रदान कर रहा है। जो योग है उससे हमें पता लगता है कि हम कैसे इंसान हैं, हम अपने, अब हम दूसरों की गलती निकालने से पहले हम अपनी गलती निकालते हैं, जब जैसे हम योग करने लग जाते हैं या फिर हम कोई योगी बन जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर कोई सामने वाला गलती करे तो हम उसको टोकने से पहले खुद सोचते हैं कि वो गलती हम भी करते हैं, अगर वो गलती हम भी करते तो पहले हम अपने में सुधार लाते हैं। तो योगी की एक ऐसी, मतलब ये अच्छी बात है कि लाइक वो अपने पे ज्यादा ध्यान देता है एज कम्पेयर टू दूसरे पे, ठीक है। और वह अपनी गलतियां, अपनी खामियां, अपनी अच्छाइयां सब चीज स्वीकार करता है, ठीक है। प्रश्न 11, क्रियाओं का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्रियाओं का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर, ये क्रियाएं आंखों, श्वसन तंत्र और भोजन नली को साफ करते हुए आंतों और पेट की आंत को टोन करती है, ठीक है। ये क्या क्या अच्छी रखती है, हमारी आंखें, श्वसन तंत्र, भोजन नली और साफ करते हुए आंतों और पेट की आंत को टोन करती है, ठीक है। वे दिमाग को तेज करते हैं, दिमाग को तेज करते हैं, आंतों को साफ करते हैं और संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, अब इससे क्या होता है, क्रियाओं से क्या होता है, हमारी आंखें अच्छी रहती है, जो हमारी श्वसन नली है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है, हमारी पेट की आंतें साफ रहती हैं, हमारा पेट साफ रहता है और जो भी संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधक होते हैं वो बनाती है जिससे हमें कोई भी वायरस ना लगे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, योग निद्रा क्या है, योग निद्रा है क्या। योग निद्रा का तात्पर्य योगिक या साइकोलॉजिक नींद से है, ठीक है। जो भी हमें योग से नींद आती है या फिर साइकोलॉजिक नींद होती है उससे है। यह निर्देशित ध्यान द्वारा उत्पन्न एक मानसिक स्थिति है जो जागने और सोने के बीच होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उसी रूट में होते हैं, या तो ना हम सो रहे होते हैं ना हम जग रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ध्यान अपने अंदर होता है, हम बाहर की सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हमारा जो शरीर होता है वो लाइट फील कर रहा होता है, हमारे दिमाग में कोई चीज नहीं चल रही होती। तो वो स्थिति, जैसे कैसे बताऊं, जो साधु वगैरह होते हैं वो हिमालय पे जाते हैं, शांति होती है वहां पर, वहां पे वो अपना ध्यान लगाते हैं, सब करते हैं, ध्यान की स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं योगिक निद्रा, ठीक है। जो सोने से और जागने के बीच में की जाती है, यानी कि वो सो भी नहीं रहा, वो मेडिटेशन कर रहा है और वो जाग नहीं रहा क्योंकि वो सारी दुनिया से परे है, ठीक है। ऐसा माना जाता है योग निद्रा का इतिहास योग से भी पहले का है, क्योंकि इसका वर्णन उपनिषदों में किया गया है। भगवान कृष्ण और योग निद्रा का संबंध महाभारत में है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अब भी नहीं, आधुनिक नहीं है, ठीक है। ये उपनिषदों में भी पाया गया है, यानी कि महाभारत में से इन्होंने लिया था कि योग निद्रा के बीच में रहते थे कृष्ण जी, कृष्ण भगवान, ठीक है। तो उनका भी वर्णन किया गया, इसका मतलब जो योग निद्रा है वो अभी के आधुनिक काल की नहीं है, वो बहुत पहले से चलती आ रही है। अब प्रश्न 13, योग निद्रा के लाभ विस्तार से बताइए, योग निद्रा के क्या लाभ होते हैं, यानी कि मेडिटेशन के क्या लाभ होते हैं।
इसका उपयोग प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया, रक्तचाप, पोस्थर को नियंत्रित करने और अच्छी नींद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अब जब हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको अच्छा करने के लिए ये किया जाता है, हमारे माइंड को शांत रखने के लिए किया जाता है और अच्छी नींद के लिए ये किया जाता है। ठीक है, एक हालिया अध्ययन के अनुसार जबकि योग निद्रा और ध्यान दोनों ही तनाव और चिंता को कम करते हैं, कम करने में प्रभावी थे, योग निद्रा ऐसा करने में अधिक प्रभावित प्रतीत हुआ। जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं और योग निद्रा करते हैं, दोनों एक ही चीज का काम करती है, वो हमारी जो हमारी स्लीप रूटीन है उसको अच्छा करने में मदद करती है और हमारे जो डिप्रेशन और टेंशन है उसको कम करने में मदद करती है। यानी कि ये हमारे ये दोनों योगाएं हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छी है। पर एक रिसर्च के द्वारा पाया गया कि जो योग निद्रा है ना वो ज्यादा बेनिफिशियल है मेडिटेशन से। ठीक है, तो योग निद्रा ज्यादा बेनिफिशियल है मेडिटेशन से, इससे हमें ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा प्रभावी प्राप्त प्रतीत हुई। ठीक है, तो हमारे यही थे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लेवल के लिए बहुत जरूरी है, या फिर वो रिपीट होते हैं या फिर आते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो ये पढ़ के जाना कि योग होता क्या है, योग का जनक कौन था। अगर आपसे वो पूछे कि योग क्या होते तो आप उसमें वो लिख सकते हो दोनों पॉइंट्स कि योग के जनक ये थे, योग ये होती है, योग का मतलब ये होता है, योग वर्ड हमने इस लैंग्वेज से लिया है। ठीक है, इसका मतलब यूज होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, और आपको ये भी पढ़ना है कि कपालभाति क्या होती है, योग निद्रा क्या होती है, कौन कौन सी यम नियम इन सब के बारे में पढ़ना है आपको कि यम योग क्या होती है, नियम के अंदर क्या आता है, इनके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, उन सबको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के परस्पेक्टिव से एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आपको, हर चैप्टर में हर चीज इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।